जब से सरकार बनी है बड़ी बड़ी डकैती, लूट, बलात्कार, छिनैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, जनता पूरा त्रस्त हो गई है। किसानों के साथ बिल्कुल धोखा किया गया है। दलित, पिछड़े और मुसलमानों का घनघोर अपमान किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है। ऐसे समय में राज्यपाल का अभिभाषण का जीवतोड़ विरोध से सभी दलों ने विरोध किया। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सहारनपुर की घटना जहां एक जीता जाता उदाहरण के रूप में आपके समक्ष आदरणीय मसूद साहब के क्षेत्र में जिस तरह के दंगे कराने की कोशिश की गई, जहां सरकार को सजग रूप से कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई न करके इस बात का संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज आज बची नहीं रही है। 15 साल तक जिन लोगों ने प्रदेश का शोषण किया, अपराधियों को, भूमाफियाओं को, बलात्कारियों को जिन लोगों ने संरक्षण दिया, वह सरकार के कामों को पचा नहीं पा रहे हैं और 50 दिन की सरकार के काम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आज जो भी सदन के अंदर हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है, जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। हम तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा को इतना ही कहेंगे कि ये सरकार लंबे समय तक रहने वाली है, क्योंकि ये जनता की सरकार है। आदत डाल लीजिए, आदत पड़ जाएगी। और समाजवादी पार्टी में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, पूरे दिन बैठे रहे उस समय, उन्होंने कुछ बोला नहीं। कुर्सियों और मेज पे खड़े होकर उन लोगों ने, विपक्ष ने गोले बना बना के निशाना ताना राज्यपाल के ऊपर। ये साफ दिखाता है कि किस प्रकार का इनकी मानसिकता है। और दुर्भाग्य है कि इस समय भी अखिलेश चुप रहे, मगर एक बात साफ हो गई और उत्तर प्रदेश की जनता को समझ आ गई है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल कुशासन क्यों रहा, सुशासन क्यों नहीं रहा और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज क्यों रहा। आज उन्होंने अपना परिचय समाजवादी पार्टी ने हाउस के अंदर दिखा दिया है।